हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो हम लोग भी बढ़िया है। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी बड़ों लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह के 7 बजे से। सबसे पहले तो आप लोगों को इस समय का मौसम के हाल भी दिखा देती हूँ, कैसे हो रखे हैं मौसम करके। आप लोगों ने आज का मौसम भी देख ही लिया होगा। आज मौसम साफ है, दिन भर धूप ही लगने वाली है। रोज की तरह मैंने दिव्या को तैयार भी कर लिया है स्कूल जाने के लिए, तो मैं ही पहुंचाने वाली हूं। मैडम का फोन आया था, अभी आ रही हूं करके। रोड में पहुंचे हैं मैडम, तो अभी ले जाती हूं। अभी आई हूं मैं धार में। सुबह सुबह धूप लग जाती है, इसी वजह से पापा और दिव्या के पापा चले गए है नीचे जंगल में। मेरी मैडम आ रही है रोड में, रास्ते में पहुंची मैं। आप लोग कैसे हो? ठीक। थोड़ी देर में मैं स्कूल जाने वाली हूँ। मैं जा रही हूँ दिव्या के पहुंचाने के लिए स्कूल, तो रोड में तो लग जाती। तो मेरे साथ जा रही है मेगा, घर में कोई नहीं है, मम्मी जी गए हैं नीचे गेहूँ काटने के लिए, तभी ले जा रही हूँ मैं मेगा को। हम रोड में पहुँच गए है, तो इसको कुत्ता देखा, कुत्ती। तो आज मैंने को थोड़ा सा ऊपर पहुँचाना है इसको पर्यटना से। 2-3 रास्ते स्कूल जाने की, तो आज जा रहे हम अलग रास्ते से। हाँ, एक रास्ता यहाँ से जाता है दिव्या के स्कूल को, तो एक रास्ता ये हुआ, हम आज इस रास्ते से जाते हैं। ये आराम से यहाँ से जाने वाला रास्ता भी ऐसा है। आते आते यहाँ पर ना इस रास्ते में एक मकान पड़ता है, तो इस मकान का नाम है परिलेना। इन घरों में आजकल कोई नहीं रहता है, ऐसे हैं। तो इनके बहुएं रहती है बाजार को पिथौरागढ़, वो रहते हैं खटीमा को, ऐसा हो रखा है इसीलिए यहाँ पर नहीं रहते हैं। हमारे घर के नज़दीक, सबसे नज़दीक पड़ता है कुलावन वाला का मकान, ये है। आजकल ना गांव घरों में जहाँ जहाँ कहीं भी देखो हरा भरा हुआ मिलता है, हरियाली मिलती है। तो मैं पहुँचने वाली हूँ घर को, ये है हमारा घर। गायों को भी बाहर बांध दिया है मम्मी जी ने। तो गाय अब जा रही हूँ मैं खेत में गेहूँ काटने के लिए। तो हमारे थोड़े थोड़े बहुत गेहूँ हो रखे इनार किनार में, वही काटने के लिए जा रही हूँ मैं खेत में। तो गैस ये रहे हमारे गेहूँ हो रखे है। गैस मैं आ गई हूँ खेत में, तो खेत में पहुँच गई हूँ गेहूँ काटने के लिए। तो दिव्या को पहुँचा के आई थी, तो घर में मेगा को रख लिया है मम्मी जी के साथ। मम्मी जी घर ही पे थे, गाय को बाहर बात के बैठे थे वहीं पर। तो मैं आ गई हूँ खेत में, तो काफ़ी थकान भी हो गई और धूप भी लग चुकी है। तो पहाड़ों में भी धीरे धीरे गर्म शुरू होने लग गया है, तो बाद में तो बहुत तेज़ धूप लगती है, कुछ काम करने जैसा मन नहीं करता है। इसीलिए सुबह सुबह आ जाते हैं हम खेत में, या कहीं जाना है तो हमने काम करने सुबह सुबह चले जाते हैं। तो चिड़िया ने बहुत ज़्यादा ख़त्म कर लिया है, ऐसे बना रखा है ये। तो जो अच्छे हैं उनको हम काटेंगे घर जाके, जो खराबी है उनको गाय को डालेंगे। इसीलिए सब तो सब काटने हैं। तो सबसे पहले मैं गेहूँ काट लेती हूँ, ऐसे काटते हैं हमारे वहाँ। मैंने काट लिए है ये, ऐसे काटे जाते हैं, ऐसे कट कर ले जाते हैं हम घर को। तो काफ़ी धूप भी लग चुकी है, थकान भी हो चुकी है। ये तो लाइक कमेंट और शेयर साथ ही सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। बहुत तेज़ धूप लग गई, अब खेत में काम करने का मन ही नहीं करता इसके बाद। तभी हम सुबह सुबह आ जाते हैं खेत में। तो अब मैं घर जाती हूँ, फिर मिलती हूँ। घर पहुँच चुकी हूँ, गायों को भी गोद में बांध दिया है, बहुत तेज़ धूप लग रही है। मैं घर सोई है,
तो मम्मी जी क्या कर रहे हैं वो भी देखते हैं। तो मम्मी जी खा रहे हैं दाना, तो हम गोट में रखते हैं हरी पत्तियाँ, बाहर सूख जाते हैं इसीलिए। तो एक बार का दाना काट के रख लिया है, मैं यहाँ पर आग जला लेती हूँ। यहाँ पर रख लिया है एक बार, तो गए मैंने जला ली है आग, तो साथ में मैं गभी उठ गई है, उठ गया तो उठ गई है ये भी। अब जाते हैं हम घर के। कौन जैसे उससे पड़ी गए गोड़ बाँ पानी दी तो गोड़ बा दो कार्टन मरी तब क्या बुटी दो तो गए। शाम के बज गए हैं 3, मैं भी जाती हूँ धार में, तो थोड़ा से मोटर है वो भी ले जाते हैं हम साथ में। से भी धार में है तो मैं, दिव्या तो आ गई है घर को, तो मैं घर धारी में है तो मैं ले जाने वाली हूँ मोटर को। पापा मोटर छूटेंगे तो हम गेहूँ बनाएंगे, तो हम गेहूँ अलग से बनाते हैं और जौ अलग से बनाते हैं, आप लोगों को वो भी दिखाते। तो ये है हमारे मोटर, इनको ले जाती हूँ। गाय का दाला रखने का भी टाइम हो गया है, अब सबसे पहले मैं गाय को दाला रखती हूँ, साथ साथ ही मैं गोबर भी निकाल लूँगी। माँ ने खा रही है दाला, तो मैं निकालती हूँ गोबर। हाँ उन दोनों भी उड़ गए, ये दोनों भी उड़ गए। हमने गोबर निकालते निकालने ने अपना दाला भी ख़त्म कर दिया है, तो दिव्य को भी बहुत शौक हो रही है, तो ये लेके आए है पापा मेरे लिए डोका, तो इसमें भर रखा है उसके लिए गोबर। तो ये है मेरा, अब जाते हम खेत को। तो यहाँ पर रख रहा कद्दू के बीज, तो ये उसके खेल में लगी रहे मौत को। बादल बरसा बिचूरी सबन को पानी, जिसो जिसो मौसम जा ततो जवानी। यहाँ पर रखा है हमने धनिया, ये तो सुबह मैंने तो इसको मिल रखा है होगा पानी और साबुन। क्या कर रहा है तू? पापा आएंगे, रुक जा पिट्टी करने, रख दे साबुन रख। पापा की सब्जी बनने वाली है आज हमारी, तो मैं काट रही हूँ ये। आग जलाने के बाद मैंने रखा है एक पानी, तो गर्म हो जाएगा, सब्जी में डालेंगे और साथ साथ ही पीने के काम भी आ जाएगा। तो हम आग जलाते हैं इससे, तो जैसे बच्चों के हो गए वो या कुरकुरिया जो खाते हैं। साथ में ये है झोरा, उसको झोरा बोलते हैं, सल्ले के पेड़ से निकाला जाता है इसको, तो इससे बहुत आसानी हो जाती है जलाने में। अब गूंथती हूँ मैं आटा। मैंने आटा भी गूंद लिया है, ये डाल रहे हैं सब्जी। मैंने आटा गूंद लिया है, तो गए सब्जी डाल रहे थे, उसी टाइम आ गई ये मेगा बैठने के लिए गोदी में। तो गए हमने खाना खा लिया था, खबर का साग हो रखा था खट्टा थोड़ा सा, तेल डाल के खाली ऐसे फ्राई करता है तो अब अच्छा होता है। तो हमने थोड़ा सा आलू भी डाल रखा था, उसमें पानी डाला तो बहुत खट्टा हो रखा था, वैसे ठीक ही हो रहा था, हमने खा लिया है। आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।